हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईटर्स एंड द टूरिस्ट। मैं आपका दोस्त अंकित। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको घुमाएंगे एक इस ट्रिप का सबसे मेन अट्रैक्शन। जी नहीं, वो शिमला में कोई स्पॉट नहीं है। शिमला से 55 किलोमीटर दूर एक छोटा सा हिल स्टेशन है, इसका नाम चैल है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जितनी बार भी बाइक स्टार्ट करके इस होटल से निकलना होता है तो हमेशा मुझे इसी रास्ते पर चलना। ये इस होटल का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, और आप ये भी सोच कह सकते हैं कि ये सबसे टफेस्ट पार्ट है मेरी पूरी जर्नी का। वैसे तो ये होटल बहुत अच्छा था, क्योंकि ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है 1893 से एग्जिस्ट कर रही है। सोच सकते हैं आप कितना पुराना हो गया। और सॉरी, बाय द वे, इस होटल का नाम ब्रिटिश शिमला रिजॉर्ट्स है। अगर आप चाहे गूगल भी कर सकते हैं, पर इसकी लोकेशन वाइज ठीक था, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था मार्केट से। आपका विधानसभा से 3 किलोमीटर दूर का है, तब इसीलिए अगर आपने व्हीकल्स हैं तो कोई इशू नहीं है। पर सबसे बड़ा इशू यही है कि आप मेन रोड से जो डिस्टेंस है 500 मीटर के अराउंड का, पर इसमें आपको बहुत सारे स्किल्स चाहिए। आपको ड्राइविंग स्किल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ज़रूर इस रास्ते में ज़रूर गलती कर सकते हैं। तो आने से पहले प्लीज़ सोचिए और एक बार देख लीजिए अगर आप किस रूट को आप कवर कर सकते हैं, वरना किसी होटल के ड्राइवर या किसी स्टाफ की मदद लेके आप नीचे तक सेफली पहुँच सकते हैं। जबकि अगर बेहतर हो कि आपको ऊपर कहीं पार्किंग मिल जाए, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि हम लोग की बाइक को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी तक मेरी बाइक फर्स्ट या सेकेंड गियर में रह रही है। ये बहुत चीप है, जितना लग रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा चीप है। पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मुझे भी लगा था मैं नहीं कर पाऊँगा, बट जैसे एक या दो बार मैं मार्केट आना जाना किया तो मेरा हेजिटेशन मेरी निकल गई। अब देख सकते हैं फिर भी यहाँ लोगों ने काफ़ी गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं, मतलब कि लोग इस रास्ते पर भी ये डेली काम कर। तो शुक्र है कि हमारा अभी रास्ता ख़त्म हो गया है। जब आप सामने देख सकते हैं ऊपर रोड दिखाई दे रही है। बस ये रास्ते इतना ही था, है 450 मीटर का डिस्टेंस, पर इसमें पसीना निकल जाता। वैसे लकीली कि आज धूप निकली हुई है, मौसम भी ठीक ही है, हमें ड्राइव करने में कोई आसानी नहीं होगी। हमें फिर भी सेफ साइड के लिए एक पतली जैकेट पहनी हुई है इन केस अगर ठंड हो गई, क्योंकि पहाड़ों पे कुछ भरोसा नहीं होता कि कब मौसम बदल जाए। और बादल भी थोड़े बहुत हैं तो कहीं मौसम बारिश में मिल सकती है। और सेफ साइड अगर आप कभी भी पहाड़ पर ड्राइव करें तो हमेशा कोई वार्म या थोड़ा सा एक विंड शीट टाइप जरूर कैरी करें हमेशा अपने साथ। इवन ये जो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इस होटल की लोकेशन है वो प्रॉपर सिटी से थोड़ा सा पहले विधानसभा बढ़ती है, जिस कुछ विधानसभा 3 किलोमीटर डिस्टेंस, जैसे मैंने भी आपको बताया। इवन आप देख सकेंगे कि अभी कुछ 100 या 200 मीटर ही बचा है अभी हम निकलेंगे। के लिए दो रास्ते थे, जैसे मैंने भी आपको बताया, मैली और जंगा होते हुए, और दूसरा रास्ता जो टन और से कुफरी की साइड निकल के देन वही रास्ता बिल्कुल सीधा हमें चैल ले जाएगा। मानता हूँ कि वो रास्ता में थोड़ा लंबा पड़ सकता है, क्योंकि वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। देखिए अभी हम सब टनल क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि शिमला में एक शायद लौती टनल है जो कि दो पेयर। नॉर्मली तो अगर आप टॉय ट्रेन तो आपको 110 टनल्स पार करनी पड़ती हैं, पर शिमला में कि लौती टनल है इसलिए लोग इसी टनल के नाम से जानते हैं। तो और इससे इजीएस्ट भी मुझे लगा हमें चैल की तरफ जाने का, और शायद इसी रास्ते से हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग शायद भटकना नहीं पड़ेगा। वैसे अच्छी मुझे जो मैं नोटिस की, मेरा जनरल व्यू है, मैं नहीं जानता कि बाकी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कि जो पहाड़ों पर रास्ता भटकना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि जनरली वहाँ पर आपको एक ही रास्ता कुछ लूप 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 पे ही आपको अपनी डेस्टिनेशन ले जाएगा। पर बस थोड़ा ये अगर आपको जहाँ भी आपको कट्स या आपको 2-3 इंटरसेक्शन मिले हैं तो प्लीज़ वहाँ पे, या फिर जनरली तो बोर्ड लगे होते, गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाए होते कि ये रास्ता वहाँ जाएगा ये वहाँ जाएगा,
अगर तब भी आपको डाउट है कि आप गलत जा सकते हैं तो GPS पे डिपेंड ना हो के किसी लोकल पर्सन से पूछे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे अभी तक का तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम लोगों को थोड़ी सी रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है और पहाड़ों पर बाइक क्या एवरेज दे और मुझे कहाँ पर पेट्रोल पम्प मिले या ना मिले। क्योंकि जनरली पहाड़ों पर आपको सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आपको पेट्रोल पम्प नहीं मिलते, या कि आपको कोई मेन डेस्टिनेशन या कोई मेन जगह होगी उस हिल स्टेशन के आसपास तो ही आपको वहाँ मिल सकता है। जैसे सपोज यहाँ कुफरी के आसपास तक रास्ते में कोई भी पेट्रोल नहीं है तो मैं लोकल हो जाता है और मुझे आगे उम्मीद भी नहीं कि मुझे चैल तक कोई पेट्रोल पम्प शुरू से दिखाई देगा। बेटर है कि हमें पहले रिफ्यूलिंग कर लें फिर हम आगे जाएँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ की रोड्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं, धूप निकली हुई है पर मौसम भी बहुत अच्छा है। इवन आप देख पा रहे हो तो आपको थोड़े बहुत स्काई में वाइट वाइट क्लाउड नजर आएंगे। वैसे तो मौसम क्लियरली लग रहा है बट जो गूगल बता रहा है कि शाम को शायद थोड़ी बहुत बारिश में मिल सकती है और पहाड़ों पे मौसम कब खराब हो जाए कि आप ये बात सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आपके देखते देखते ही मौसम खराब हो जाए। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि जगह जगह जो सेफ्टी गार्ड्स रोड साइड में लगे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं क्योंकि काफड़ों का कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है। तो कभी भी पहाड़ पर ओवर स्पीडिंग ना करें और हमेशा सामने से आने वाले व्हीकल की जरूरत ध्यान रखें। हो सकता है कि वो अपनी लेन से थोड़ा गलत आ रहा हो बट अगर आपको अपनी आपको बचाना है तो आपको सावधानी रखनी होगी, खासकर पहाड़ों पर बाइक चलाते हैं क्योंकि सब लोग जैसे कहते हैं कि सावधानी हटी तो घटना घटी। बाकी तो सब मस्त अच्छा चल रहा है, अभी हम लोगों ने रिफ्यूलिंग कर ली है, अब देखते हैं हम लोग चैल कितनी देर में डिस्टेंस कवर अप करते हैं क्योंकि जो गूगल दिखा रहा है वो हमें 1.5-2 घंटा बता रहा है। पर कोई नहीं, हम लोग कवर अप कर लेंगे डिस्टेंस, थोड़ा टाइम ज़्यादा जाए तो क्या होगा, हमारे पास पूरा दिन है वहाँ तक पहुँच। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने जो गाड़ी गई है इन्होंने इसको ओवरटेक किया है बट अगर आप ओवरटेक करें हमेशा पहले देख लें कि आपको सामने से गैप मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जैसे कि अब स्कॉर्पियो ने भी उसको ओवरटेक कर लिया तो लकीली सामने से कोई भी व्हीकल नहीं आया। और हाँ पहाड़ों पर एक बात और बहुत ध्यान रखने वाली है, कभी भी किसी कर्व के आसपास आप ओवरटेक ना करें क्योंकि वो यहाँ पहाड़ों जितने कर्व होते हैं सब ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको कितनी दूर से कौन सा व्हीकल आ रहा है। हमेशा अपनी लेन में रहें और अगर आपको ओवरटेक करना है जहाँ आपको जगह दिखाई दे आप वहीं ओवरटेक करें, कभी ब्लाइंड कट्स पर कभी ओवरटेक ना करें वरना आपको बहुत भारी पड़ेगा। अब जो हमें रोड है हम कुफरी वाले रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी कुफरी जो है यहाँ 10 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बच रहा है, रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख पाते हैं कि जो पहाड़ है मेरे लेफ्ट साइड पे आ गए हैं और ये यहाँ पे कुफरी से थोड़ा पहले एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे लोग सब बायनाकुलर्स और सब देख के पता नहीं क्या देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा पर हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इस टाइम मंजिल पर पहुँचे हैं तो आगे जैसे थोड़े बहुत वेंडर्स कैंडी वेंडर्स फोटोग्राफर्स ये सब भी आपको खड़े दिखाई दे जाएंगे। पर हम लोग कुछ सालों पहले आए थे जगह पे, सेम जगह पे हमें काफ़ी बर्फ़ थी, रोके दो साइड बर्फ़ पड़ी हुई थी और बाकी वैसे तो रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, बाइक सनी डे है, दिन भी अच्छा है और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं मैं बिल्कुल अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे डर भी नहीं लग रहा। स्टार्टिंग में जब मैं ट्रिप स्टार्ट किया थोड़ा मुझे डर लगा था कि शायद मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी क्या अकेले मैं ट्रैवल कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा कि बस आपको कभी भी आप बाइक टूर पे जा रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो बाइक है वो सिंपल टायर से इक्विप्ड होनी चाहिए क्योंकि अगर आप स्पोक्स वाले जो नॉर्मल टायर होते हैं ट्यूब वाले अगर आप उस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप ऐसे किसी रोड ट्रिप पे हैं और बाइक पे पंचर हो जाए काफ़ी दूर तक यहाँ कोई आप मार्केट या कोई पंचर वाला भी नहीं तो थोड़ा टफ हो सकता है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि हमेशा ट्यूबलेस टायर वाली आप बाइक हमेशा यूज़ करें। अगर आपकी बाइक में ट्यूबलेस टायर नहीं है तो कुछ मैक्सिमम लोग टूरिंग के लिए रॉयल एनफील्ड की बाइक यूज़ करते हैं पर उनमें ट्यूबलेस टायर नहीं होते, तो लकीली अब थंडरबर्ड और अब हमारी जो जो बाइक्स आ रही हैं वो सब ट्यूबलेस टायर्स की वजह से अभी कॉन्टिनेंटल थी ना भी इंटरसेप्टर लॉन्च की होते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ जब नेक्स्ट टाइम कोई बाइक लूँगा तो कोई ऐसी हैवी टूरिंग बाइक ली जाएगी बट फॉर टाइमिंग आई एम वेरी हैप्पी विद माई होंडा सीवी हॉर्नेट। जानता हूँ ये थोड़ा 160 cc का इंजन है बट स्टिल इट्स परफॉर्मिंग गुड
और मुझे अच्छा माइलेज देता है, पहाड़ों पे 40+ का अराउंड माइलेज देता है, और प्लेन या मतलब 52-55 के अराउंड दे देता आराम से। और उसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो 12.5 लीटर की है, इससे मेरा काफ़ी अच्छा बड़ा विंडो मुझे मिल जाता है। देखो ऐसे पर्सनल काउंटर के लिए रिफिलिंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास अभी 2 पॉइंट मतलब कि ऑन एवरेज 4-5 लीटर पेट्रोल रहा होगा उसके अंदर, और फिर भी मैं रिस्क नहीं लिया इसलिए मैं रिफिलिंग करा दी। और तो कब भी आप किसी भी रोड ट्रिप पर आएँ हमेशा ऐसा ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने फ्यूल पे हमेशा बहुत ध्यान रखें, और एयर बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं वो यही होती हैं कि आप अपने फ्यूल और अपने टायर के एयर प्रेशर इन सब पर बहुत ध्यान रखें चलें, और ये सब फिट है देन वो है डरिएगा नहीं। हाँ पर अपने ब्रेक्स और इन सब चीज़ बहुत ध्यान रखें। पता नहीं क्या हुआ कि कैमरा किस वजह से ऑन नहीं हो पाया कुफरी में, और मुझे था कि शायद वो कैमरा ऑन ही था बट हम लोग मिस कर गए। चलिए कोई बात नहीं, हम जिस दिन जब यहाँ पे बर्फ़ की होगी तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कुफरी के ऊपर, तब आपको कुफरी की खूबसूरती दिखाएंगे। पर अभी हम लोग फिलहाल अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। अभी हम लोगों ने कुफरी क्रॉस किया है तो यहाँ से अभी 28 किलोमीटर दूर और है यहाँ से हमारी मंजिल चैल। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे आगे ट्रैफिक अब पूरी ख़त्म हो चुका है और रोड के दोनों तरफ से जंगल ही जंगल है, पर फिर भी हमें डर नहीं लग रहा। इवन आपने रोड पे एक और नोट की होगी कि कोई भी आपको स्ट्रीट लाइट्स नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप दिन में इस पर दिन में ही ट्रैवल करें, ना कि आप रात को ट्रैवल करने का रिस्क ना लें। कि अगर आप सोचें कि हम शाम को रिटर्न हम रात को रिटर्न आ जाएंगे देन वो शायद थोड़ा रिस्की मामला हो सकता है। बाकी तो काफ़ी डर हमें नहीं लग रहा क्योंकि ये डायर रोड डायरेक्ट ही जा रहा है, और काफ़ी अच्छा मौसम भी अच्छा है, अच्छा जगह ठंडी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कुफरी आ गए तो हम लोग काफ़ी लोग हाइट पर आ चुके हैं। बाकी अभी देखते हैं। और हाँ हम लोग कभी अगर आप लोग कभी भी हिल पे राइड करें तो कभी हैंड फ्री यूज़ ना करें, क्योंकि हैंड फ्री से आपके नॉइज़ कैंसिलेशन काफ़ी हो जाती है, और आपको कभी कभी हॉर्न या कोई भी जो साउंड होगा वो आपको सुनाई नहीं देगा, तो वो आपके लिए भी बहुत बढ़ा सकता है, आपके लिए बढ़ा सकता है। जैसा अभी आपने देखा कि जब हमने एक गाड़ी क्रॉस की बस सामने वाली कार ने हॉर्न नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा अपनी साइड बचाई। बट फिर भी आप कोशिश करें कि आप अपनी लेन में रहें, लेन चेंज ना करें वरना एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। पर देखते हैं, आप थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है कि एक्साइटमेंट इस चीज़ का है कि हम हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रह गए, हमने आधा रास्ता ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है। डर इस बात का लग रहा है कि अगर शाम को भी ये रोड ऐसा ही मिला तो हम लोग को दिक्कत तो नहीं होगी या डर तो नहीं लगेगा कि हम लोग इसे कवर अप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं दिमाग में। चलिए कोई बात नहीं, अब जब निकले हैं तो करना ही है, क्योंकि आगे चल पड़े हैं तो देखिए दोबारा इस कट में मेरा रास्ता रोक गया। बट कोई नहीं, मैं इजीली इसे ओवरटेक कर सकता हूँ कि सामने से मुझे कोई भी व्हीकल आता नज़र नहीं आ रहा है। बाकी अब जब ट्रिप पे निकले हैं तो डरने की क्या बात है, दिल्ली से यहाँ तक आ गए तो 20 किलोमीटर हम जा ही सकते हैं, कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ। अब दोबारा एक और ट्रक, ऐसे टाइम पे ना बहुत गुस्सा आता है जब आप पहली का व्यू ले रहे हो और अपनी बाइक राइड का आनंद ले रहे हो और सामने से कोई व्हीकल आपका रास्ता रोक दे तो आपको बहुत गुस्सा है। अभी हमने जस्ट 2 मिनट का हॉर्न लिया था पानी, बाकी तो मुझे इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं रहती। मुझे लगता है कि मैंने शायद जो मेजर चॉइस थी वो बहुत अच्छी रही है और मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। बस सिर्फ एक ही छोटी सी दिक्कत है इस बाइक की, वो इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी स्टिक है, तो लंबी राइड के टाइम पे मुझे 2-3 मिनट उसके हॉल्ट लेना पड़ता है क्योंकि मेरे बैक में थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बट बाकी अगर मेरे पास रॉयल एनफील्ड का भी ऑप्शन है, एक्चुअली मेरे पास 2 बाइक्स हैं, एक रॉयल एनफील्ड एक सी ऑन इट, पर रॉयल एनफील्ड में मैं जो टूरिंग है वो मैं कभी ट्राई नहीं करता क्योंकि उसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, और ट्यूबलेस टायर्स ना होने की वजह से मैं कभी ऐसे टूर पर कहीं रास्ते में कहीं फंसना नहीं चाहता। तो इसीलिए मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस और जो लास्ट ऑप्शन मेरा बस का वो है माय सीबी हॉर्नेट। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बाइक, इनको माइलेज अच्छा देता है, पर नॉर्म जानता हूँ लोग दीवाने रॉयल एनफील्ड की
टूरिंग करने के लिए, पर कोई बात नहीं, हम लोग भी कभी ट्राई करेंगे दोबारा कोई ट्रिप उस पर भी मारेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ कि उसमें भी एलॉयज और हमारे जो फ्यूचर्स आए थे वो फिट करा लिया है, तो शायद मेरे लिए इजी हो जाएगा। वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, बट उसका जो मेन रीज़न है मुझे इन्वेस्ट ना करने का वो ये जो क्लासिक लुक है। मेरे पास कन्वर्टर ग्रे है जो कि काफ़ी क्लासिक लुक है, अगर मैं एलॉयज में फिट करा दी तो थोड़ा उसकी लुक के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बट जैसा मैं समझ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शायद उसमें ट्यूबलेस टायर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर अभी तो छोटे मोटे ट्रिप्स हैं 250-300-400 किलोमीटर तक के, अगर सपोज लाहौल स्पीति या मैं कोई और ट्रिप मारता हूँ या लेह लद्दाख के लिए, तो मुझे रॉयल एनफील्ड पर जाना होगा, तब वो शायद मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए कोई नहीं, देखेंगे उसका भी टाइम आएगा सब इन्वेस्टमेंट करने का, देखेंगे क्या क्या हम कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। कोई नहीं, देखिए आप देख पा रहे होंगे जो लेबर काम कर रही है रोड के साइड में, जो पोल लगा रहे हैं, मतलब आने वाले कुछ सालों में आपको इस पूरे रोड पे भी आपको लाइट्स नज़र आ जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखिए थोड़ा जंगल हट गया, यहाँ पे आस पास कोई गाँव आ रहा है, सामने आप देश में कुछ घर बने दिखाई देंगे आपको, पर रोड पर कोई भी एक भी व्हीकल आपको पास होता हो ना, रोड पर कोई भी व्हीकल आपको पास होता हो नज़र नहीं आ रहा है। बट स्टिल हम लोगों को कोई डर नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कि नोट करिए जो हमारे हिमाचल के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी हरे भरे और बहुत घने जंगलों से घिरे हुए हैं, और इवन जो उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी सूखे हुए बहुत ड्राई टाइप के हैं, और बहुत कहते कठोर कह सकते हैं देसी भाषा में जो पहाड़ हैं कठोर हैं। पर अब अगर आपको व्यू ऑफ वैली और मौसम का मजा लेना तो हिमाचल जैसी जगह आपको नहीं मिलेगी। वैसे भी हिमाचल का जो मेन ऑक्यूपेशन है उनका टूरिज़्म ही है। अब आप इजीली गैस कर सकते हैं कि टूरिज़्म उनका इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्यों है, आपकी छोटी सी राइड पे आपको इतना अच्छा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो जो वो भी उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये मुझे कैसा फील हो रहा है। हिमाचल में फर्स्ट टाइम बाइक चला के मेरा सेकेंड रोड ट्रिप ज़रूर है, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं इन पहाड़ों से काफ़ी फैमिलियर रहा हूँ, मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है क्या ये रास्ते में आया हूँ, और मुझे पता है मुझे रास्ता कहाँ जाना, तो मुझे टेंशन नहीं है कोई कुछ जरूरत करने के लिए। थोड़ा थोड़ा जगह जगह रोड थोड़ा टूटा टूटा हुआ है, बहुत पहले बना था, मुझे लगता है शायद रोड दोबारा नहीं बनी है। पर और हाँ एक बात और, अगर आप पहाड़ों पर बाइक चलाएं तो हमेशा ट्रक्स के पास जाके हॉर्न जरूर करें, ताकि सामने से आने वाला जो ड्राइवर होगा या व्हीकल का जो जो चला रहा हो उसे पता लग जाए कि हाँ आप पहले उसको पता हो जाएगी कि आप वहाँ पे हैं, क्योंकि ऐसे रोड्स में जो इतनी खाली रहती है वहाँ पे लोग बिना देखे ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखिए अगर उस टाइम स्लोप पे हैं तो मेरी बाइक की स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ गई है, बट फिर भी क्योंकि अब रास्ता सीधे सीधा कोई ऐसा कर्वी और कुछ लुक्स नहीं है तो मैं इजीली इस पर राइड कर सकता हूँ। तो और एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर आप कभी भी ऐसे ट्रिप पर जा रहे हैं तो हमेशा वो अपना जो भी रिफ्रेशमेंट्स होती हैं वो खा के या लेके के साथ चलें, क्योंकि मेरे साथ एक बार लास्ट ट्रिप पे हुआ था इंसिडेंट, मुझे वहाँ कोई भी रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स भी नहीं मिला था, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जल्दी। पर अभी तो जस्ट जनरली ये है कि अगर आप ऐसे रिश्तेदार से वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें, और अगर आपने लंच या ब्रेकफास्ट करते चलें ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना कुछ ना कुछ छोटे मोटे जब सर फूड आइटम ज़रूर कैरी करें। बाकी आप थोड़ा बहुत वीडियो का एंजॉय कीजिए, मैं पानी का मदद लेता हूँ। जगह आ गई है, अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक पहाड़ी जा रही है, यहाँ पे एक कैंपिंग बूथ था, इवन ये सब जगह होती हैं जहाँ पे आप कैंपिंग करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अनएक्सप्लोर और मेन सिटी से दूर होती हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब यहाँ से हार्डली जहाँ हम पहुँचे हैं हार्डली 10 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बचा है चैल तक के लिए, हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है,
खोपरी अगले 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच जानी चाहिए। बाकी अभी भी कोई व्हीकल्स के अंदर का नज़र नहीं आ रहा, कोई हार्डली एक या दो टैक्सीज आपको नज़र आएंगी। जो ये चैल जगह है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, इवन पॉपुलर इन सेंस कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो लोग दिल्ली या नियर बाई एरिया से शिमला विजिट करने आते हैं और शिमला मेन मेन पॉइंट्स घूमते हैं, वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। पर अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो चैल जैसी जगह पर आप जरूर आएँ, अगर हो सके तो यहाँ पर बुकिंग करा लें और यहाँ पे एक दिन रुकें, क्योंकि मैंने सुना था कि हिमाचल टूरिज्म गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस पैलेस को एक होटल में कन्वर्ट कर दिया है जो कि एक हाईटेक प्रॉपर्टी है, तो आपको फैमिली का टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगेगा। बाकी तो हम वहाँ पहुँच के पता लगे लीजिए, हम पहुँच के अपनी मंजिल शायद जेल चाय पैलेस में बैठे देख लेता हूँ। यहाँ यही चाय पैलेस का गेट है, फाइनली हमारी डेस्टिनेशन आ गई है, चलिए आगे सकते हैं और देखते हैं। ऐसे देखिए आपके सामने गेट है, जब चैल पैलेस लिखा हुआ है। यहाँ पे जो एंट्री टिकट है वो 100 रुपीज पर पर्सन की है। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि रोड साइड थोड़ी बम्पी हो गई है, क्योंकि जो रोड है मेन गेट से पैलेस तक की वो थोड़ी ख़राब है, जो दोबारा बनाने की सख्त ज़रूरत है। पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी भी हम लोगों को चाय पैलेस का मेन कंपाउंड नज़र नहीं आया, मतलब कि जो मेन कंपाउंड है वो एंट्रेंस गेट से काफ़ी अंदर है। देखते हैं कितनी दूर तक हमें ये रोड ले जाएगा और मिलते हैं चाय पैलेस पे। लीजिए अब हम आ पहुँचे अपनी मंजिल चैल। शिमला से चैल तक का डिस्टेंस जो 55 किलोमीटर था, हमें बाइक पे 2 घंटे लग गए। अगर आप आएँ तो अपना ट्रिप उसी हिसाब से प्लान कीजिए, हो सके तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए ताकि आप टाइमली घूम के वापसी शिमला या अपना जो अगला डेस्टिनेशन है वहाँ जा सकें। शिमला से चैल तक की जर्नी हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।